तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेल्डिंग फ्लेम के तापमान को याद करने की एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक। तो वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो दोस्तों, बेल्डिंग फ्लेम तीन प्रकार की होती है। पहली होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम, दूसरी होती है न्यूट्रल फ्लेम और तीसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इनके टेम्परेचर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे हम एक ट्रिक की सहायता से याद रखने वाले हैं। हमारी ट्रिक है मेरी कार न्यू आई, मतलब आपने जो कार लेकर आई है आपको वो बोलना है कि मैंने अपनी कार को न्यू लेकर आया। या तो फिर आप ये तीन वर्ड भी याद रख सकते हैं, जैसे CNO। तो सी से कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाएगा, एन से न्यूट्रल फ्लेम हो जाएगा और ओ से हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और हमारी ये ट्रिक है जो कार न्यू आई, यहाँ से हम कार न्यू और आई इन तीन वर्ड को लेकर बेल्डिंग फ्लेम के नाम को याद रख सकते हैं। जैसे कार से हो जाएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यू से हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम और आई से हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इनके टेम्परेचर होते हैं 31, 32 और 3300 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सिंपली क्या बोलना है कि CNO 31, 32, 33 या तो फिर कार न्यू आई 31, 32, 33। इसे भी हम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एक लिख देना है, यहाँ दो लिख देंगे, यहाँ पर तीन लिख देंगे और इनके आगे हम तीन तीन लिख देंगे इस तरीके से। इसके आगे भी हम तीन लिख देंगे और यहाँ पे बढ़ा देंगे दो जीरो, तो 3100 हो जाएगा, यहाँ 3200 हो जाएगा, यहाँ पे 3300 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस ये तीन वर्ड याद रखना है CNO 31, 32, 33। तो आपको वेल्डिंग फ्लेम के टेम्परेचर याद हो जाएंगे। तो ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर देना। इस तरीके की और भी ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत